श्रावस्ती विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज हाजी रमजान आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया। दरअसल साल 1992 में सपा के साथ जुड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले मोहम्मद रमजान 30 सालों तक पूरी निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़े रहे। इस दौरान वे सपा के टिकट पर MLC और विधायक भी रहे, जहां पार्टी में उनकी गणना सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा नेता आजम खां के करीबियों में होती थी। वहीं साल 2012 से 2017 तक विधायक रहे रमजान 2017 के चुनाव में BJP की प्रचंड लहर में मामूली मतों से चुनाव हार गए थे। ऐसे में साल 2022 के चुनाव में वे श्रावस्ती विधानसभा की सीट से सपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते थे। बागियों के आने से सपा में हुई फूट। वहीं टिकट वितरण मामले में इस सीट पर सपा ने बसपा से बगावत कर पार्टी में शामिल हुए मोहम्मद असलम रायनी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं रमजान को बहराइच के मटेरा सीट से टिकट दिया गया था। ऐसे में इस सीट से चुनाव लड़ने से मना करते हुए उन्होंने श्रावस्ती से ही टिकट की मांग की। इस दौरान सपा ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में सब कुछ खामोशी के साथ चल रहा था, मगर बीते सोमवार को ही हाजी मोहम्मद रमजान अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हाजी मोहम्मद रमजान के साथ सपा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे कांग्रेस में। आज आप नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? आज मैंने कांग्रेस पार्टी से नामांकन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के? इस बार विकास का रहेगा, चाहे जो विकास पुलिया बिजली पानी की सारी व्यवस्था होगी। समर्थकों को क्या कहेंगे अपने आप? समर्थक आपके आपके साथ कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत और प्यार है। 10 साल तक क्षेत्र में काम किया है, लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं। एक नेता के रूप में हमको ना मानकर अपना भाई और अपना चाचा मानते हैं। चलिए वहीं का